नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। हैक हुई IRCTC की वेबसाइट। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने वाली वेबसाइट IRCTC के हैक होने से तकरीबन 1 करोड़ लोगों की निजी जानकारी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र की साइबर सेल के मुताबिक हैकरों ने IRCTC की वेबसाइट हैक कर उससे करीब 1 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया है। साइबर सेल ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने रेलवे विभाग को इसकी सूचना मुहैया कराई है। साइबर सेल ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ लोगों के डेटा अब हैकर्स के पास है, वो इससे मनचाही जानकारी पा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है। IRCTC ने अपनी वेबसाइट हैक होने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि रेलवे यात्रियों की जानकारी बेचने की शिकायत जरूर आई है। अगस्ता वेस्टलैंड मामला नेताओं के शामिल होने के प्रत्यक्ष सबूत नहीं। विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में फैसला सुनाने वाले इतालवी न्यायाधीश ने कहा कि एंग्लो इतालवी हेलीकॉप्टर फर्म के पक्ष में सौदा करने के एवज में कथित रिश्वतखोरी को लेकर किसी भारतीय नेता के संबंध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। मिलान अदालत के न्यायाधीश मेगा ने ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि इतालवी बिचौलियों ने भारतीय नेताओं को रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला सिर्फ हेलीकॉप्टर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ था, जिन्होंने भारत में कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी थी, और ये भारतीय जांच अधिकारियों पर है कि वो धन के लेनदेन का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की पहचान करना इतालवी अदालत के फैसले में नहीं था। केजरीवाल का आरोप, DU में कभी नहीं पढ़े मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड दिखाने में इसीलिए आनाकानी कर रहा है क्योंकि वे कभी वहां से पढ़े ही नहीं। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि कुछ अखबारों में छपी मोदी की डिग्री की तस्वीरें झूठी है। DU ने प्रधानमंत्री की डिग्री के रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया क्यों? मेरी सूचना के अनुसार वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उनके दाखिले, उनकी डिग्री, उनकी अंक तालिका और दीक्षांत समारोह के बारे में DU के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।